चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते हैं, इसलिए झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे। झारखंड और महाराष्ट्र में उनको हारने का डर है, तो उनको और टाइम चाहिए और वक्त चाहिए मरने के लिए। लेकिन मरने वाले जरूर है, फांसी पे जरूर जाने वाले हैं ये लोग। ये संविधान के खिलाफ है, चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ काम कर रहा है। देखिए महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव इसलिए समय पर नहीं हो रहे हैं या आगे की तारीख वो लोग कर रहे हैं, इसलिए कि चुनाव से पहले ये लोग हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं, उनकी पार्टी तोड़ना चाहते हैं, उनके पार्टी में और राज्य में अस्थिरता लाने चाहते हैं, इसलिए झारखंड में चुनाव नहीं हो रहे हैं। उनको समय टाइम चाहिए। देखिए चंपा सोरेन कल गए और आज क्या बोल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी यही है, झारखंड और महाराष्ट्र में उनको हारने का डर है। बीजेपी दोनों राज्यों में बुरी तरह से हार रही है, महाराष्ट्र में तो उनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो उनको और टाइम चाहिए और वक्त चाहिए मरने के लिए। लेकिन मरने वाले जरूर है, फांसी पे जरूर जाने वाले हैं ये लोग, वो बचने वाले नहीं है। लेकिन और सरकारी तिजोरी से पैसा और लूट सकते हैं तो लूट सकते हैं, ठेकेदारों से पैसा जमा कर सकते हैं, हाँ बांट सकते हैं। लाडला बहन योजना में ज्यादा पैसा देने का उनका इरादा है, वोट खरीदना है, इसलिए झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव नहीं करने जा रहे। ये संविधान के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, चुनाव आयोग संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, दबाव में काम कर रहा है, इतना मैं कहूंगा। लेकिन जो सरकार दूसरे जो एमपी है उनके पास लड़का मुर्गा लड़की मुर्गी की स्कीम है, मुर्गी की स्कीम है, इस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कहा। देखिए देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में अब गंभीरता से कोई लेता नहीं। एक जमाना था लोग उनकी बात सुनते थे, लेकिन 5 साल से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति से पूरी तरह से आउट हो गए। उनको कोई वजूद नहीं, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, लोग गंभीरता से नहीं लेते, उनके लोग भी नहीं लेते। अब वो दो उप मुख्यमंत्री में से एक है, कल एक आदमी आया पार से पार्टी से बेईमानी करके वो मुख्यमंत्री बनकर उनका बॉस बन गया, हाँ उनकी बात कोई मानता नहीं न सुनता है, तो उनके बात पर आप भी ध्यान मत दीजिए। ये लाडला बहन योजना, ये जब हम सत्ता में आएंगे तो डबल किया जाएगा, हमारे बहनों की जो आप मासिक जो मानधन मिलता है वो डबल किया जाएगा, 3,000 रुपया हो जाएगा। ये हमने पहले भी कहा है, बात तो 15 लाख की मोदी ने शुरू की थी ना, सबके खाते में 15 लाख आएंगे, लेकिन 1500 दे रहे आप, वो भी गिने चुने महिलाओं को, तो ये बात अब आगे प्रचार में आ जाएगी।